नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के वीडियो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक और आज का दिनचर्या कैसे रहने वाले हैं, आज के दिन आपको कैसे कार्य करना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय माता दी। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रुपये पैसे की आवक की लिहाज के से समय की और गति आपके पक्ष में होने वाले हैं। अब गुरुजनों को और बड़े बुजुर्गों को स्नेह एवं आशीर्वाद बना रहेंगे। पूर्व समय से की गई मेहनत रंग लाएगी। अध्यात्मक, समाज और नैतिकता से जुड़े मामलों में आप ध्यान देंगे। विद्यार्थियों की पढ़ाई में से व्यवधान भी आ सकते हैं, इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में भी अपना ध्यान दें। घर के किसी सदस्य की वैवाहिक जीवन में से कोई समस्या भी उत्पन्न हो सकती है और दूसरों की आलोचना करने से आप स्वयं ही किसी मुसीबत में भी पड़ेंगे। इस समय बात का भी ध्यान रखें। इस समय व्यवसाय में नई योजना पर अमल करने की समय है, लेकिन किसी भी कर्मचारी की मांग को भी लेकर आपको गुस्सा और आवेश पर भी आ सकते हैं। धैर्य और संयम की परिस्थितियों को संभालें। नौकरी में है तो अधिकारियों को कोई नाराजगी भी सहन करनी पड़ सकती है। घर का माहौल सुखद और सौहार्दपूर्ण भी बना रहेंगे। युवा वर्ग व्यर्थ की मौज मस्ती और प्रेम संबंधों में भी ध्यान ना देकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति फोकस रहें। ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज जैसी परेशानी भी बढ़ सकती है। अपने आप को तनाव भी मुक्त रखें और दिनचर्या में से प्राकृतिक गतिविधियों में भी रखने की जरूरत होगी। और आज का आपका भाग्यशाली रंग रहने वाले हैं हरा। और आज का आपका भाग्यशाली अंक रहने वाले हैं 6। दिन की शुरुआत में खुशखबरी से होंगे। आपकी योजनाओं के अनुसार दिन आगे बढ़ेगा और लेकिन दोपहर के बाद में परिस्थितियां कुछ कठिन नजर आ सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण बातों को दिन की शुरुआत में ही पूरा करने की कोशिश करें। जिस काम से आप एक्सपर्ट से हैं उस पर संबंधित जिम्मेदारी मिलने के कारण काम को आप पूरे उत्साह के साथ में पूरा करेंगे। पार्टनर्स को आपसे समान जी बना रहेंगे। कमर से संबंधित कुछ तकलीफ भी थोड़ी देर तक सता सकती है। और आज चित्रकारों, पेटरों के लिए भी नवीन सृजन का भी समय है। प्रदर्शन कला के लिए व्यक्तियों के लिए अपनी कला के लिए भी माध्यम से मिल सकते हैं। कमर का दर्द भी रह सकते हैं। ओम नमः शिवाय का नाम जपेंगे तो सारी कमर का दर्द भी दूर हो जाएंगे। ब्याज पर भी धन देने वालों के लिए भी समय अनुकूल है। धन कमाने की इच्छा तो है, ठीक है, किंतु उसकी भूख बुरी है, यह ध्यान रखिएगा। गरिष्ठ भोजन से बचने की भी जरूरत होगी। हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक कर हनुमान चालीसा का पाठ करें। मिनरल वाटर सप्लाईयों के लिए समय ठीक है। धोबियों के लिए राहत का अवसर भी आ सकते हैं। पीठ में कुछ सिचा भी रह सकते हैं। सूर्य मंत्र का जाप करेंगे तो सारे सिचा भी दूर हो जाएंगे। न्यायाधीशों के लिए भी किसी खास मामले में से सुनवाई टालनी पड़ सकती है। सरकारी पक्ष में जितना सहयोग चाहते हैं उतना मिलने में बाधा भी है और दांत का दर्द कुछ परेशान भी कर सकते हैं। लंगर में जाके धनराशि भेंट करेंगे तो दांत का दर्द की परेशानी भी दूर हो जाएंगे। वित्त क्षेत्र के कर्मियों को अधिक अनुकूलता भी रह सकती है। धन संबंधी बाधा भी दूर हो सकती है और आज सुस्ती और बढ़ी चढ़ी रह सकती है। शनि देव को काले सूती कपड़े में काला धागा चढ़ाएं। और आज के दिन महिलाओं और डॉक्टरों के लिए भी मन की सुकून की कमी भी रह सकती है। दिन की समान ही रहने की संभावना है। अधिक मीठा खाने से बचें। अब गुरु गुरु तुल्य व्यक्तियों को धनराशि भेंट करें। किसी के भी खास मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। कमाई का नया स्रोतों का भी हाथ में आ सकते हैं। खान पान में रुचि भी अधिकता भी रह सकते हैं। गणेश भगवान को देशी का घी का दीपक कर मोटी बूंदी का लड्डू का भोग लगाएं। खानदानी कारोबारियों को करने वालों के लिए भी समय मेहरबान सिद्ध हो सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी किराए पगड़ी या चढ़ानी है तो तय कीजिए। ब्लड शुगर वाले व्यक्ति लोगों को इस मामले में पूरी जागरूकता करने की जरूरत होगी। बैल और सांड को गुड़ के रोटी दें।
खनन कारोबारियों के लिए भी झटका देने वाला समय रह सकते हैं। चुनावी लड़ाई में से तैयारी का होगा धक्का भी लग सकते हैं। वाहन ध्यान से चलाएं और भैरव बाबा को सरसों के तेल में घुलाकर सिंदूर वरक चढ़ाएं। और आज के दिन आपको दिन मित्रों के मदद से कोई भी उलझाना हुआ कार्य भी सुलझ जाएंगे। इसमें आपकी पार्टी डंडी भी आपकी तरफ से मित्रता का भी हाथ बढ़ाएंगे। फोन द्वारा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात होगी। आपका कोई भी कार्य एक नया अंदाज से संपन्न होने वाले हैं। घर और काम के बीच में तालमेल बना के रखने में दिक्कत होने वाली है। व्यर्थ के कार्यों में भी कुछ बहुत अधिक समय व्यतीत होने जाएंगे और इस प्रवृत्ति के कार्यों से दूर ही रहें। चोट आदि लगने के भी आपकी मेहनत पर भी पानी फिर सकते हैं। व्यवसाय में नए नए लोगों से संपर्क बनेंगे जिसके द्वारा आपकी उत्तरोत्तर उन्नति भी होने वाली है। पार्टी डंडी पर परास्त रहेंगे लेकिन भागीदार और हर गतिविधियों पर भी नजर भी रखना जरूरी होंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य में से सफलता मिलने से और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेखूबी से निभाने में भी पूरी तरह से सक्षम रहने वाले हैं। पति पत्नी के बीच में आपसी तालमेल भी उचित बना रहेंगे लेकिन दिल के मामले में भी धोखा भी खा सकते हैं। सिर दर्द और पेट दर्द की भी समस्या भी रह सकती है। खान पान सीमित रखें और गैस और वादी वाली चीजों को भी सेवन से परहेज करें। और आज खुद के ही लिए द्वारा खुद पर डाले गए बंधन से बाहर निकलकर नई बातों की जानकारी और उनका अनुभव भी लेने के लिए आपको प्रयत्न करने होंगे। और दूसरों द्वारा कही गई बातों द्वारा विश्वास न रख कर आप तक आप खुद के व्यक्ति में या भी परिस्थितियों को परख नहीं करते हैं तो तब तक किसी भी निर्णय को पहुंचना आपके लिए भी नुकसानदायक भी हो सकते हैं। काम से संबंधित और जिम्मेदारियों के बढ़ने की वजह से खुद के लिए वक्त निकालना पाना मुश्किल भी हो सकते हैं। कुछ बातों के लिए पार्टनर को नजरिया भी बदलने की कोशिश आपके द्वारा ही की जाएंगे। डिप्रेशन और तनाव भी महसूस हो सकती है और आज के दिन आपको इस समय अपने आपसी संबंधों को मजबूत करने में आपका विशेष ध्यान रहने वाले हैं। पढ़ाई कर रहे तो लोगों के लिए ध्यान अपने लक्ष्य पर भी रहेंगे और लक्ष्य हासिल करने में सक्षम भी रहेंगे। कुछ कठोर और साहसी फैसलों में से कारण आपको सफलता भी मिलेंगे। निवेश संबंधी गतिविधियों में से बहुत अधिक सावधानी रखने की भी जरूरत होगी। आप किसी षड्यंत्र अथवा विरोधाभास की स्थिति में भी फंस सकते हैं। इस समय की गई कोई भी यात्रा परेशानीदायक भी रहने वाले हैं। कड़ी मेहनत तो मस्तक के बावजूद भी उचित परिणाम भी हासिल नहीं होंगे। व्यावसायिक गतिविधियों समान ही रहेंगे। इस समय धन संबंधी कोई भी लेन देन ना करे आर्थिक नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। तरक्की में से रुकावटें की स्थिति भी रहेंगे। हालांकि मेहनत और परिश्रम द्वारा ही आप परिस्थितियों को काफी हद तक अनुकूल भी बना रह लेंगे। घर को नया लुक देने के लिए परिवारजनों को आपस में विचार विमर्श भी होंगे। रोमांस के प्रेम प्रसंगों में से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक रहने वाले हैं। अपनी मानसिक स्थिति को भी सकारात्मक बनाए रखने के लिए योगा फिटनेस आदि जैसी गतिविधियों पर भी ध्यान दें। हर बात को सही गलत को तोलने की वजह से आप करीबी रिश्तों में से दरार महसूस करेंगे। साथ ही आपको मिल रहे अवसर का भी पूरा फायदा उठा पाना आज आपके लिए भी मुश्किल भी हो सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ में थोड़ी सी दूरियां भी महसूस होगी। फिलहाल आपको अपनी मानसिक स्थिरता भी संतुलित बना के महत्वपूर्ण लेने की आवश्यकता होगी। काम से संबंधित नई जिम्मेदारियां भी अचानक दिए जाने के कारण